बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट और सहारा इस्लामिया ट्रस्ट मैसूर, दोनों इदारों का मैं अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट और सहारा इस्लामिया ट्रस्ट का मैं सदर हूँ। मैं नूर मोहम्मद मच्छेड मेरा नाम है, और हमारे दूसरे जो है नायब सदर हैं कुमार स्वामी, और हमारे दूसरे नायब सदर हैं हज़रत सैयद मोहम्मद याकूब साहब, और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब फयाज़ अहमद साहब, और हमारे सिद्दीक़ अनवर रज़ा साहब, और हमारे सलमान हाफिज सलमान साहब, और हमारे वहाँ के मुंतज़िम जो है ज़िम्मेदार नासिर साहब हैं इस वक्त मौजूद है, और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी जो हैं शौकत अली हैं, और एक जॉइंट सेक्रेटरी जो सनाउल्ला साहब हैं, और ट्रेजरर हमारे जो हैं ज़ुल्फ़िकार अहमद खुर्रम हैं, और हमारे अराकिन में अखलाक अहमद अंसारी, और हमारे जावेद अहमद साहब हैं, और इसी तरह से हमारी एक बेहतरीन टीम है जो दोनों इदारों की जानिब से ऐसे जो मुफ्त आँखों का मायना और कैटरक्ट ऑपरेशन के कैंप, इसके अलावा दूसरे सामाजिक खिदमत भी अंजाम देते आ रहे हैं। ज़्यादातर हम तवज्जो इस वजह से देते हैं, आँखों की तरफ देते हैं, क्योंकि इसकी तरफ काम करने वाले खिदमत करने वाले कम हैं दूसरे इदारों में। और मैं ये जो है आज के कैंप का जो आने वाली कैंप जो है हमारे इदारों की जानिब से वो होशा नगर हैदर अली ब्लॉक में 16वें क्रॉस में मदरसा फैज़ान आला हजरत के मकाम पर ये कैंप मनक़द की गई है। ज़रूरतमंद हजरात वहाँ पर आकर अपना मायना करा सकते हैं। ख़्वातीन हजरात जो भी हैं, ज़रूरतमंद बच्चे जिनकी भी ज़रूरत है, आँखों की तकलीफ़ है, वो आकर वहाँ करा सकते हैं। मैं ये इसका वक्त जो है सुबह के 9:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक इसका वक्त मुकर्रर है, और वक्त मुकर्रर पर आकर अगर करा लेंगे तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट मैसूर और सहारा इस्लामिया ट्रस्ट मैसूर, ये दोनों इदारों की जानिब से हस्बे मामूल मौरिखा 24 जो 1 और 2024 यानी चारशंबे के दिन 24 तारीख को, इसी महीने के चारशंबे के दिन KRI हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट मोबाइल यूनिट की ताउन से, और मदरसा फैज़ान अताए आला हजरत के ताउन से ये कैंप मुनक़द की गई है। हस्बे मामूल हमारी दोनों इदारों की जानिब से, यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट और सहारा इस्लामिया ट्रस्ट की जानिब से, जो हमेशा से हम लोग कैंप आई कैंप करते आ रहे हैं, आँखों का मायना, मुफ्त आँखों का मायना और कैटरेक्ट ऑपरेशन, ये दोनों भी जो है हमारे यहाँ से हमारी दोनों इदारों की जानिब से, और दूसरे जो भी इदारे हमारे साथ ताउन करते हैं उनके ताउन से, और हमारे KRI हॉस्पिटल आई डिपार्टमेंट के ताउन से जो है, वहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर और अमला उनके ताउन से जो है ये कैंप करते आ रहे हैं। और इसी सिलसिले में ये कैंप अब हम लोग गौसिया नगर मदरसा फैज़ान आला हजरत 16वीं क्रॉस में ये कैंप मुनक़द की गई है। ये इसका वक्त जो है सुबह के 9:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा। जो भी हजरात आँखों की जो तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिनको जो है सुबह से शाम के टाइम आँखों का नज़र नहीं आना, आँखों में पानी जाना, आँखों में जलन और आँखों में ख़राश आना, और इसके आँखों के अंदर कई तरह की बीमारियों का शिकार रहते हैं, उन हजरात के लिए जो है यहाँ पर मुफ्त का कैंप जो है हमेशा हम करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम लोग 150 कैंप से भी ज़्यादा हम लोग कर चुके हैं, और मुसलसल यह सिलसिला जारी है। और हमारे इदारे ही ऐसे हैं जो मैसूर पूरे ज़िले में, मैसूर शहर के अलावा अतराफ के ताल्लुक़ और देहातों में भी इसका इलाज किया जाता है, और इसमें यहाँ पर बिला मजहब जबान तकरीर से फरीक के तफरीक के
और हम लोग जो है हर मज़हब के लोगों को जो भी ज़रूरतमंद हैं उन तक ये बात पहुँचा कर और उनमें इस बात का अवेयरनेस लाकर, बेदारी लाकर, आँखों का कितना अहम है आँखों की नज़र रोशनी जो इंसान को अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में, अल्लाह ताला इंसान के जिस्म में सबसे अहम चीज़ और कीमती चीज़ जो है आँख दी है, जिसकी रोशनी अगर है तो सब कुछ है। तो इस रोशनी को बचाने के लिए लोगों को जो है मालूम नहीं रहता किस तरह से इसका इलाज कराना और कहाँ जाना, किससे मिलना, अगर मालूम हो तो भी इनके पास पैसे की जरूरत सहूलत नहीं रहती, उसके अलावा इनको बताने वाले रास्ता नहीं रहते। इस वजह से ये सोच करके हमारे इदारे ने हमारे दूसरे मसरूफी कामों के अलावा, दूसरे सामाजिक कामों के खिदमत के अलावा ये काम भी जो है हम इसके अंदर ये खिदमत को भी हमें आगे बढ़ाया है। और इस सिलसिले में ही ये जो गौसा नगर सोलहवीं क्रॉस में मदरसा फैज़ान आला हजरत की जगह पर ये कैंप मुकर्रर की गई है, वहाँ तमाम उलमाए कराम और तलबा और वहाँ के जो मुंतजमीन हैं उन तमाम के ताउन से जो है ये कैंप जो है हम लोग चारशंबे के रोज़ 24 तारीख को इसी महीने के जनवरी के हम लोग मुनक़िद कर रहे हैं। इसमें ज़रूरतमंद हजरात जो भी आँखों की तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो मर्द औरतें बूढ़े बच्चे जवान जो भी हैं अतराफ बसने वाले, वो आकर बता सकते हैं और मुफ्त में ऑपरेशन भी करा ले सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन दूसरे इदारों से नहीं करते। मुफ्त में ऑपरेशन मायना सिर्फ करके हस्पताल को उनको बुलाया जाता है, फिर वहाँ जाने के बाद उनके पास से पैसे ऑपरेशन के लिए थे, लेंस के लिए थे, फलां के लिए थे, अगर को कई हज़ार रुपये तकरीबन उनको 18-20 हज़ार रुपये तक खर्चा पड़ जाता है। लिहाजा हम लोग वो सब चीज़ों से उनको अभी तक कोई भी एक पेशेंट तक भी हमें आज तक एक पैसा लिए नहीं। वो सहूलत के साथ उनको उसी दिन जिस दिन उन्होंने कैटरेट ऑपरेशन है करके मालूम होने के बाद उनका बीपी शुगर सब चेक करके, अगर उनको हार्ट, अगर हार्ट की बीमारी है या और कुछ उनको दमे की बीमारी है जैसी तमाम बीमारियों का चेकअप करके उनको, और वो और दूसरा तीसरा जो है उनके पास आधार कार्ड की कॉपी और रेशन बीपीएल कार्ड की कॉपी लेकर आना, वो दो सब साथ लेकर आए थे, और दवाइयाँ भी जो इन लोग ले रहे हैं हार्ट के या दमे के इसके वो भी लेकर आना साथ में। अगर इनको प्रॉब्लम ज़्यादा है हार्ट का या दमे का तो हार्ट के डॉक्टर से परमिशन भी लाना पड़ता है उनको, इनका ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं वो एनओसी देना पड़ता है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो भी हजरात अब तक कैंपों में इलाज करवा रहे हैं, करा चुके हैं, जो हज़ारों की तादाद में करा चुके हैं, और ऑपरेशंस भी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 2500 से 3000 से ज़्यादा ऑपरेशन मुफ्त हो चुकी है हमारे इदारों की जानिब से, और ये चीज़ों का जो है इन्हों फ़ायदा हासिल करना इसके वास्ते करको हमें ये कोशिश हमारी जारी है। ये हमारे इदारे के तरफ से उसके तमाम अखराजात जो ही हमें बर्दाश्त करते हैं, यानी हमारे दोस्त अहबाब कौन भी या इदार दूसरे इदारे वाले अगर ताउन करें तो उनका ताउन भी ले करके वो उनके साथ मिल करके करते हैं। अगर ये नहीं मिला तो खुद हमें हमारे इदारों से, जैसा मैं इदारे का सदर हूँ नूर मोहम्मद मर्चेंट, और हमारे खासकर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं फयाज़ अहमद साहब, हमारे नायब सदर हैं हजरत सैयद याकूब मोहम्मद याकूब साहब, ऐसे हमारे बहुत सारे हमारी एक टीम है जो इसके पर काम करती है, सारी टीम उस वक्त जुड़ जाती है और ज़्यादातर काम जो है जिम्मेदारी के काम का हमारे सेक्रेटरी साहब इसे संभालते हैं सब काम, और हमारी टीम के अंदर जुल्फ़िकार अहमद खुर्रम हैं, इखलाक अहमद अंसारी साहब हैं, और हमारे शौकत अली साहब हैं, और हमारे सनाउल्ला साहब हैं। इस तरह से सनाउल्ला साहब जो ही हमारी टीम में ये ब्लड और शुगर चेक करते और वो लैब टेक्नीशियन भी हैं, इस वजह से वो हमारी ही टीम में ही, और उसका भी उनको पेशेंट को जो है खर्च बच जाता है, क्योंकि वहाँ पर मायना कराने आने वाले जो हैं उन्होंने शुगर और बीपी चेक करा कर आना है। अब तो उसका भी हमने सहूलत मुहैया कर दी है हमारे इदारों की जानिब से, अगर वो वहाँ आ जाएंगे तो हम खुद उसे चेक करके उसका बीपी शुगर वगैरह वहाँ पर ही देख कर उसे क्या उसे करना है उसे आगे कार्रवाई के लिए बोलते हैं उसको। इन तमाम सहूलत के साथ जो है ये सिलसिला तकरीबन हमारा मैसूर के अंदर तकरीबन एक 15-18 साल से चल रहा है।
ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि अब तक के 150 से भी ज़्यादा कैंप जो हुए हैं ये बहुत बड़ी बात है। और हर महीना हमारे यहाँ जो है 2-3 कैंप होते रहते हैं। और हमें केयर हॉस्पिटल के अलावा कोयम्बतूर की एक बहुत बड़ी अस्पताल है जो आँखों की अस्पताल है, ख़ास करके उसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उसके अंदर आँखों की कई बीमारियों के इलाज होते हैं जो मैसूर में नहीं हो पाते, उनको कोयम्बतूर को भी भेजा जाता है हमारे इदारों की जानिब से। अगर हमारे इदारे की जानिब से आ रहे हैं तो वहाँ कोयम्बतूर में अरविंद आई हॉस्पिटल में जो है वो ताउन करते हैं हमारा। जैसे यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट से हमें आए हैं, पलांग के मर्चेंट की तरफ से, फयाज़ अहमद की तरफ से, अगर वो हमें लेटर दे देते हैं, वो लेटर वो देखते ही वहाँ पर उनको बहुत अच्छा ताउन करते और जितना हो सके उतना फ्री इलाज करते हैं वो। अगर नहीं हुआ तो थोड़े बहुत पैसे, ज़्यादा भी नहीं लगते उनको, बहुत कम खर्चे में उनके बड़े बड़े इलाज हो जाते हैं जो मैसूर में 50-60 हज़ार लाख रुपए से, जिसके वो रगों का मामला रहता है, बीच का रेटिना का मामला रहता है, ऐसे कई तरह की बीमारियां होती हैं आँखों के जो लोगों को मालूम नहीं होते। वो शक्कर अगर जिसे ज़्यादा है उसे 100% आँखों का इफ़ेक्ट हो जाता है, उसके रगा कमज़ोर हो गए तो उसका इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो बढ़ते बढ़ते आँखों के अंधापन की तरफ चले जाता है। और कहते हैं कि रेटिना बीच का जो दीदा रहता है वो ख़राब हो जाता है, दिखता नहीं। वो भी हमारे हॉस्पिटल की जानिब से 2-3 आदमियों को, हमने 3 आदमियों को हमें बदले। अगर वो कराना अगर को बोले तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा, ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि ये दूसरा आदमी जो आँख डोनेट करके रहता है उसकी आँख से ले करके इसकी आँख में डालते हैं वो, तो इससे उसे रोशनी हासिल होती है। वो इतना आसान भी नहीं है क्योंकि उसमें ब्लड ग्रुप में अगर जिसको डलाना है उसका ब्लड ग्रुप मैच होना है, और उसके अलावा साइज़ उसके आँख रेटिना का अंदर का साइज़ उसको मैच करना है, ऐसे बहुत सारे बातें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे बातों को मद्देनज़र रखते हुए, इसका ध्यान रखते हुए हमारे कैंप जो हैं आगे बढ़ते, और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं हमारे पास आते हैं इसका आँखों के इलाज के लिए, और हम लोग करते ही जा रहे हैं, उसको सिलसिला चल रहा है हज़ारों की तादाद में। अल्लाह का एहसान बहुत बड़ा करम है, आज तक हमारे इन हज़ारों की तादाद में इलाज हुआ है, ऑपरेशंस हुए हैं, लेकिन आज तक अल्लाह के करम से, फजल करम से कोई कंप्लेंट नहीं है हमारे पास, ऐसा हुआ वैसा हुआ कर। इससे बहुत सारे जो मजबूर लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो जिनके पास माशी इक्तसादी हालत ठीक नहीं है, ऐसे सब लोग आकर वो हमारे पास करवा लेते हैं बोलकर। बहुत सबको हुआ है इसका सहूलत, और हमारी यही ख्वाहिश है कि जो भी ज़रूरतमंद हजरात हैं वो हमारे एड्रेस पर आए हैं, यूनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट का एड्रेस या सहारा इस्लामिया ट्रस्ट के एड्रेस पर फ़ोन रहता है, मेरा फ़ोन रहता है, हमारे सेक्रेटरी साहब का फ़ोन रहता है, वो नंबर हमेशा हमें देते हैं और उसके अंदर एड्रेस भी रहता है, वो हमारे पास ले गए तो नहीं तो हमारे पॉम्फलेट्स में या तो बैनर्स में सब हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर्स रहते हैं। फ़ोन कर कौन भी आकर मिलकर उनकी ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकते हैं, इलाज करा। मैं इतला जो है ये आज के दस्तक कर्नाटका न्यूज़ की जानिब से मैं आप तमाम हजरात और ख़्वातीन हजरात को ये इतला देता हूँ कि आप बराए मेहरबानी वक्त मुकर्रा पर तशरीफ़ लाकर अपने आँखों का मायना और जिनको कैटरेक्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है वो कैटरेक्ट ऑपरेशन जो है यहाँ पर आकर मुफ्त इसमें करा सकते हैं, क्योंकि इसी दिन इनको कैंप के रोज़ ही इनको ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हैं, दूसरे दिन ऑपरेशन होता है, तीसरे दिन सुबह को डिस्चार्ज करके वापस जिस जगह से हम लेकर जाते हैं, जैसा मदरसा फैज़ान आला हज़रत है वहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाता है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए जो भी हजरत हैं इस खिदमत को हासिल कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाह सुभानहु तआला ये खिदमत खल्क को कबूल फरमाए, खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत और दोजख के फैसले होते हैं, जिसे खुदा मिल जाए इंशाल्लाह दोनों जहां उसके हो जाए। सबसे बड़ी बात अल्लाह हमारे सदर साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए और फयाज़ भी की उम्र में बरकत अता फरमाए, जो इसकी खिदमत ले रहे हैं अल्लाह इनकी तंदुरुस्ती के साथ अता फरमाए, ये बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि हमारे सदर साहब जी पूरा कह चुके हैं जी कि हमारे पास एक प्राइवेट हॉस्पिटल का भी एक काम है जी। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी
जहाँ को 30-35-40 हज़ार खर्चा करके ऑपरेशन कराने वाले लोग जाते हैं, वही से लोग भी हमारे पास आते हैं, मर्चेंट साहब के पास, मेरे पास, इंशाल्लाह वही से ऑपरेशन, अच्छी से अच्छी ऑपरेशन हॉस्पिटल में हमें बुला ले जाकर 40 हज़ार का ऑपरेशन उनको पौने पैसों में हमें करा के देते हैं। वही लेंस चलाते हैं, वही ऑपरेशन वही डॉक्टरों के हाथ से कराते हैं, क्योंकि अल्लाह उनको भी हमें, क्योंकि थोड़े लोग जरा डरते हैं ऑपरेशन को, तो डर जाते हैं, काट डालते हैं, क्या कर डालते हैं, वो नहीं है। इसलिए हमें 24 तारीख के दिन हमें कैंप रखी है हुसैन नगर के अंदर, ये 16वीं क्रास में जो मदरसा है वहाँ पर है। आप हजरात मेहरबानी से आकर वहाँ हिस्सा लें कैंप में, ऑपरेशन भी फ्री किया जाएगा, लेंस भी फ्री डाला जाएगा, उसमें आपका एक रुपया खर्च नहीं होगा। मैं मेरे मौलाना सिद्दीक हजरत साहब से गुजारिश करता हूँ जी, सिद्दीक साहब से मेहरबान करता हूँ थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो अभी कैंप होने वाली है 24 तारीख यकवा महीना 2024 को, ये जो कैंप होने वाले बामकाम दारुल उलूम फैज़ान आला हज़रत नज़्द मस्जिद नूर के पास होने जा रहा है। अब ज़ाहिरी आप जान लिया कि हमारे सदर साहब नूर मोहम्मद और हमारे फैयाज भी और हमारे हज़रत याकूब हज़रत, जो पहले सबसे पहले मुझे कॉल आया कि याकूब हज़रत का कि हज़रत आपके इदारे में हमको कुछ काम करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे याकूब हज़रत अब तक हमारे इदारे का साथ देते आते आ रहे हैं। अल्लाह ताला उनको यही तौफीक दे कि हम यही चाहते हैं कि हर जगह जगह चप्पे चप्पे पे मदरसे भी हो और मदरसे में दीन के साथ दुनियावी काम भी हो। अब दुनियावी काम अब ये कर रहे हैं, ये भी अल्लाह की रजामंदी है। ऐसा तो बहुत सारे मालदार हैं मगर अल्लाह ताला जिससे काम लेता है उनसे ही काम लेता है। अब जैसे कि हमारे नूर मोहम्मद है, हमारे फैयाज भी, याकूब हजरत, अब देखिए इनकी नीयत सही है तो अल्लाह ताला अभी तक इनके हाथ से काम लेते आ रहा है। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करेंगे कि मौला तबारक व तआला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनके बच्चों पर इनका साया तादेर जारी वो सारी अता फरमाए, और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता हूँ और इनको तरक्की अता फरमाए और इनको कामयाबी अता फरमाए। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि कैंप यहाँ जो ये मदरसा जो है तकरीबन 5-6 साल से वो इदारा चलता आ रहा है। इससे पहला इदारा तो मतलब इधर उधर चलता आ रहा था। एक अल्लाह के नेक बंदे ने हमको उस जगह गिफ्ट के तौर पर फी सबीला पर जगह दिए हैं, वहां पर हमने मदरसे को कंस्ट्रक्शन करके मदरसे को चला रहे हैं। पहले मकतब की शक्ल में चलता था, अभी वो दारुल उलूम की शक्ल में चल रहा है। तकरीबन वहां तलबा 25 तलबा दारुल उलूम में जहर तालीम हासिल कर रहे हैं और मकतब की शक्ल में 150 से ज्यादा बच्चे वहां पर आते हैं। तो ये हम यही दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला जितना हो सके हमारे हाथों से अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करेंगे, जितना नेक काम हो अल्लाह ताला हमारे से काम ले, और जो हमारे सदर साहब और नायब सदर हमारे फैयाज भी है और इनको अल्लाह ताला इसी तरीके से इसी तरीके के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला तबारक तआला हमने यहाँ पर जमा हुए तेरी रजा के लिए, तेरे बंदों की एक नेक मदद के लिए यहाँ पर जमा है, मौला हमारी इस जमा को कबूल अता फरमा, और इनके जो मदद करे इनके मदद को तेरी बारगाह में मौला कबूल अता फरमा, और आने वाली तमाम परेशानी तकलीफ से हमारी तमाम की हिफाजत अता फरमा। मौला करीम के कारोबार में रात 11वीं दिन 12वीं तरक्की अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।